उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में सदाबल रोड पर एक युवक झोले के अंदर 2.5 किलो वजन का गांजा रखकर डिलीवरी देने के लिए आया हुआ था। महाकाल पुलिस को सूचना मिली और सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उक्त युवक हेमंत उर्फ गोलू उम्र 33 वर्ष और उसके साथी शब्बीर को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इन युवकों से पूछताछ कर रही है और जाँच पड़ताल भी कर रही है कि यहाँ गांजा तस्करी कब से कर रहे हैं और कहां कहां से गांजा लाते हैं और कहां कहां पर गांजा बेचते हैं। महाकाल पुलिस के द्वारा 2.5 किलो गांजा जब्त किया गया है इनके पास, जिसकी कीमत करीब लाखों रुपए बताई जा रही है। और साथ ही पुलिस अब इस युवकों से भी रिकॉर्ड चेक कर रही है और साथ ही में इनसे पूछताछ भी कर रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।